शादी हुई थी, इनको चाय बनाने नहीं आती थी। हाँ, ये आधा किलो का रहता है, तो ऐसे पैकेट लेके मैं जाऊँगा ब्लॉग बनाने के लिए। हम लोग का दूध चालू वाला है, तुम्हारा दूध स्पेशल रहता है। कितना डर रहे हो मिस? अरे बहुत सारे फ्लेवर है, लेकिन हमें काला खट्टा ही चाहिए। काला खट्टा? हेलो दोस्तों, ये भी हेलो कर दिया। देखो ये हमारे घर में दो मेहमान आए, वो भी हेलो कर रहे हैं। तो कल से आई हुई है, बहुत चिल्ली जुल्ली बजा के रखी है। और आज हम जा रहे हैं शादियों के लिए स्कूल का शूज लेने, क्योंकि अक्टूबर का महीना लग गया है। तो आपको मैं स्कूल की हिस्ट्री पहले बताता हूँ यहाँ की। हाँ। मुंबई में बहुत लोग पूछते हैं ना, आप लोग शूज पहन के नहीं जाते, ये लोग सैंडल पहन के जाते हैं, सैंडल पहन के जाते हैं। मुंबई में जब तक बारिश रहती है, मतलब जैसे स्कूल स्टार्ट होता है, मतलब जून में स्कूल स्टार्ट हो जाता है, तो जून जुलाई अगस्त सितंबर इस चार महीने तक सारे बच्चे सारे स्कूलों में हाँ सैंडल पहन के जाते हैं, ताकि यहाँ बारिश बहुत होती है ना, और शूज और सॉक्स पहन के जाएंगे तो पूरा भीग जाएगा, शूज के अंदर पानी भर जाएगा। इसके लिए मुंबई का सिस्टम है कि सितंबर तक सैंडल पहन के जाते हैं सारे स्कूल के बच्चे, सारे यहाँ ज़्यादातर। तो अब अक्टूबर लग गया है, तो अपने स्कूल में वार्निंग मिल गई कि आप लोग अब शूज पहन के आओगे। तो हमारे यहाँ शूज रखा हुआ पिछले साल का भी है ना, ये देखो पहनी हुई, दिखा दो रखो, ये देखो इनका शूज सॉक्स। और इनको जब कल लग गया था वो भी देखो शोल्डर इंजरी, तो इनका भी चलेगा। अभी शादी माई का हमारा कहाँ है, तुम्हारा? मेरा वाला है इधर ही कहीं। हाँ, तो इनका जो है ना वो छोटा हो गया है, मतलब हाँ इनका जो है छोटा हो गया है, तो इनको नया दिलाना पड़ेगा फटाफट। अभी शूज एकदम अभी अभी नया दिलाना है इनका, चलेगा। तो चलते हैं शॉप पे। एग्जाम के बाद इन लोगों के लिए दिवाली की छुट्टी होने वाली है, क्योंकि नवंबर में दिवाली है, उससे कुछ दिन पहले ही छुट्टी हो जाएगी। और छुट्टी कम से कम 15 या 20 दिन की छुट्टी मिलने वाली है इन लोग को। तो हम लोग कुछ प्लान बना रहे कि दिवाली की छुट्टी कैसे निकाला जाए, मतलब कहाँ जाया जाए, कहाँ घूमा जाए, इनके नानी घर जाया जाए, या दादी घर जाया जाए, या रिश्तेदारों के घर जाया जाए, या हमारे कुछ दोस्तों के घर जाया जाए, कहीं हम जाए ना जाए, हो सकता है अपने दोस्तों के यहाँ चले जाएँ। तो मुंबई के बाहर मेरे 3 दोस्त हैं, एक यूपी में है, एक दिल्ली में है, और एक गोवा में है। तो अब यहाँ जाए कहाँ जाए आप लोग बताना हमको, या मतलब कुछ समझ में आ नहीं रहा, हम लोग कंफ्यूज हैं। या फिर हम लोग अपने फ्रेंड के घर चलते हैं। कौन से फ्रेंड? सब्सक्राइबर फ्रेंड। हाँ, या तो किसी सब्सक्राइबर के यहाँ चले जाए। तो आप लोग कमेंट करके बताओ हम लोग कहाँ जाए। इनका ननिहाल देखना है, ददियाल देखना है, इनका खाला पुफी मामू पता नहीं कौन कौन बहुत लोग हैं वहाँ, कहीं आपको देखना है, या हमारे दोस्त के यहाँ जाना है, या किसी सब्सक्राइबर के यहाँ जाना, आप लोग कमेंट करके हमें बताओ। तो हम दिवाली की छुट्टी निकालते हैं, और नहीं फिर हो सकेगा तो इन लोग कहीं लेके जाऊंगा, मैं अकेले कहीं ना कहीं चला जाऊंगा। अकेले कहीं ना कहीं निकल लूंगा, ऐसे नहीं होता। तो फिलहाल चलते हैं इनका शूज लेने, चलो चलो। तो दोस्तों अभी हम लोग निकल चुके हैं और हम लोग जा रहे हैं शॉप की तरफ। तो चलो तो ये मारिया को हम लोग नहीं लाए, मारिया को हम लोग नहीं लाए, मारिया नहीं है। ये है वो दुकान जहाँ से हम अपना शूज लेंगे स्कूल का। ये एक नंबर है। अभी क्या देखो इधर का क्या मोबाइल थोड़ा बड़ा चलेगा। हाँ थोड़ा बड़ा। चलो पापा को 10% डिस्काउंट भी मिल गया यहाँ पे। रास्ते में लोगों दिख गए गोले वाले, देखो गोला खाना है, ये सब होल्डर आ गए देखो। बहुत सारे फ्लेवर है, लेकिन हमें काला खट्टा ही चाहिए। काला खट्टा? तुम नींबू पानी पी लो। नहीं मुझे नहीं पीना, कुछ पी लो पी लो पी लो पी लो। गर्मी पड़ रही इसलिए पी लो, ठंडी में नहीं पीना। ठंडी ठंडी में कहाँ पी रहे थे हम। आजकल मुंबई में गर्म बहुत पड़ रही है ना, इससे बारिश बन रही है, बहुत गर्म पड़ रही है। मेरे लिए अब नींबू पानी बन रहा है। तो अब हम घर आ चुके हैं इनका शूज लेके। देखो मेरा खाना बन रहा है, तो यही खाना भी मैं कहीं बाहर जाऊंगा ना मुंबई से बाहर, तो तुम मुझे खाना भी दे देना पूरा पैकेट में आता ही है ना, खराब थोड़ी ना होगा खाना। तो ये है मेरा खाना जो कि पैकेट में ऐसे आता है। हाँ, ये आधा किलो का रहता है, तो ऐसे पैकेट लेके मैं जाऊंगा ब्लॉग बनाने के लिए, जब जाऊंगा या कहीं भी। अभी प्लान तो है नहीं कहाँ जाना है, जहाँ भी जाऊंगा मुंबई छोड़ कर इसको लेके जाऊंगा। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या हूँ मैं, इसको गला के पूरा उसके बाद मिक्सर में एकदम पीस के बनाया जाता है,
तो मिक्सर में मिलना जरूरी है, जहाँ भी जाओ मिक्सर मिले, मिक्सर में एकदम पीस के ऐसा बारीक करके ऐसा बनता है। लेकिन कोई होटल में रुकूंगा तो होटल वाले बना के देंगे नहीं, ऐसा बना के देंगे होटल वाले? कुछ कुछ देंगे, कुछ कोई नहीं बना के देगा होटल वाला। शादी में देखो लाइव खा रहा है, इसको हम लोग लाइव बोलते हैं, वो जगह मुरमुरा बोलते हैं, हाँ वो जगह मुरमुरा बोलते हैं हम लोग, इसको लाइव बोलते हैं। ये देखो शादी का सूट इनको आ गया, वो आप तो अभी दोपहर का टाइम हो चुका है खाना खाने का, तो ये अपना खाना खा रहे हैं और यहाँ हमारे लिए भी खाना निकल रहा है। तो मम्मी ने आज हमारे लिए खाने में क्या बनाया है? तहरी। सोयाबीन का पुलाव बनाया है जिसे तहरी भी बोलते हैं, तो हम लोग खाएंगे तहरी। और ये पुलाव मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। आप लोग ज़्यादा हाई वीडियो में बोलते रहते हो, ज़्यादा खाने की वीडियो में, कि आप लोग सिर्फ बाहर खाते हो, घर का खाया करो, घर का दिखाया करो। तो ऐसा कि जब बाहर से कुछ लाते हैं या खाते हैं ना, तो लोग वीडियो बना के दिखा देते हैं, इसके लिए आपको लगता है कि हाँ लोग सिर्फ बाहर खाते हैं। ऐसा नहीं है, ज़्यादातर 90% घर का ही खाते हैं, 10% बाहर खाते हैं। लेकिन सवाल सही है कि जब बाहर का खाते हैं तो वीडियो बना के दिखाते हैं कि हाँ ये लाए वो लाए, तो आप लोग क्या लगता है खाली बाहर के खाते हैं? ऐसा नहीं है, और घर का जब खाते हैं हाँ इतना दिखाते नहीं है। इन लोगों को समझा दो घर का खाना दिखाया करो, दाल चावल क्यों ना खाओ तुम, वो भी दिखा करो। देखो अभी दिखाता हूँ, एक मिनट दिखाओ। देखो कल ये दाल बनी थी, चावल बना था, रोटी बनी थी, आज ये बनी है, पुलाव बना है। तो घर का ही खाते हैं लोग, लेकिन घर का दिखाते नहीं, तो सबको क्या लगता है कि बाहर खाते ऐसा लगता है। और ये अपने हाथों को बनाया चाय है, लेकिन इन्होंने नहीं बनाया है, ये मेरी माँ ने बनाया है, मेरी मम्मी ने, हाँ उनके हाथों को बनाया, अभी गाँव से बना के आया था ये, हाँ ये गांव का बना अचार है मेरी अम्मी के हाथों का। इनको कहाँ बनाने आता है, इनको नहीं आता अचार बनाना, बहुत टेस्टी अचार बनाती है मेरी अम्मी, हर चीज़ टेस्टी बनाती है, खाली अचार ही थोड़े, हाँ खाना भी सब बना लेंगे ना, मतलब बनाती थी पहले, वैसे तुम नहीं बना पाओगी। हाँ तुमको भी मेरी अम्मी ने सिखाया खाना बनाना, क्यों बोलती हो तुम बताओ ब्लॉग में? इनको खाना बनाना मेरी अम्मी ने सिखाया है, इनकी जो बताऊँ इनकी जो शादी हुई थी इनको चाय बनाने नहीं आती थी, इनको आज ये जो कुछ भी बना रही है सब मेरी अम्मी को सिखाया हुआ है। भाई ज़्यादा वादा नहीं है, रियल है, हकीकत है। आप लोगों से पूरी तरीके से नहीं आता, चाय बनाना आती थी, चाय नहीं बनाना, चलो चाय बनाने आती थी, बाकी खाना नहीं आता था ना, कबूल करती हूँ खाना बनाना नहीं आता था, खाना नहीं बनाना, हाँ कुछ नहीं आया। किसने सिखाया, किसने सिखाया? हाँ मेरी अम्मी ने, थैंक यू बोलो मेरी अम्मी को, थैंक यू बोलो, क्या मेरी अम्मी को थैंक यू बोलो, अरे मम्मी हो, हाँ लेकिन सिखाया ये मैं बोल रहा हूँ, अब आप लोग बोलोगे क्यों इनकी अम्मी नहीं सिखाया, आप लोग ये बोलोगे, तो बता दूँ इनकी अम्मी बचपन में खत्म हो गई थी, काफी छोटी, इनको अपने मम्मी का चेहरा भी नहीं याद है, ये बेचारी खुद यहाँ वहाँ से पली बड़ी किसी तरीके से, इसलिए माँ बाप होता तो हर चीज़ सिखाते हैं, जिसने पाला उसका भी बहुत बड़ा एहसान है, लेकिन सब कुछ नहीं सीखता इंसान, सीख पाता दूसरे के यहाँ, हाँ यहाँ यहाँ अपनी औलाद नहीं सीख पाती है, पते हो देखो इनको, अभी दूसरे लोग पाल लिए हो बड़ी बात है, दूसरे घर में पली हैं, अपनी औलाद यहाँ देखो, इनको सिखाते हम लोग बुढ़ा गए, सीखती नहीं कुछ। मुझे मैंने अभी अभी आलू की सब्जी बनाना सीखा है, मुझे रोटी भी बनाने आता है, मुझे मैगी बनाने आता है, और मुझे चावल, मुझे खिचड़ी भी बनाने आता है, मुझे अंडा बनाने आता है, एक चीज बनाई नहीं अभी तक, खाली आता है बोलने। अभी मम्मी ने आलू और गोभी की सब्जी बनाई थी, बहुत इजी होती है, तो खाली मम्मी को बनाते हुए देखने से बना नहीं बोलते, हाँ बनाने आता, इसको बनाओ तब बनाने आएगा, सुनो मैं बनाती हूँ। और दोस्तों खाने का माशाल्लाह आज तो बनाना छोड़ दिया, आज छोड़ दिए, लेकिन नहीं तो पहले मैं भी सारे खाने सब खाने बना लेता था, सब कुछ उस दिन भाई सर के बर्थडे में नहीं बनाया था बिरयानी, खाई थी अच्छी थी कि नहीं बिरयानी, हाँ ये मत बोला था, यहाँ खाली एक हफ्ते प्रैक्टिस करूंगा ना, फिर सारा खाना बना के नहीं करूँगा, सारे खाने बना लूंगा मैं, उससे फास्ट बनाऊंगा, ये भी गारंटी मेरी,
मैं बताती हूँ, आज मैं बताती हूँ मैं खाना क्यों नहीं बनाती। जैसे मैंने एक बार चाय बनाई तो मम्मी अब मुझसे बार बार चाय बनवाती है। अब मैं एक बार अगर खाना बना ली ना तो मम्मी मुझे बार बार खाना बनवाएंगी। तो सीखोगे नहीं अभी तक आएगा कैसे? घर में नौकर नहीं लगाओ क्या? खुद से काम करना सीखो, खुद से नौकर वोकर नहीं, ये सब काम नहीं, खुद से काम करोगे तो सेहत भी अच्छी रहेगी। और मतलब तो हम तुमको हमेशा ना काम करने का वो रहेगा, कोई भी काम फटाफट तुम करो, इंडिपेंडेंट मतलब वाली तुम्हारी वो रहेगी एकदम उस चीज की। हाँ, कोई काम के लिए तुम सोचोगे नहीं, फटाफट तुम फुर्ती रहेगी तुम्हारे अंदर, फटाफट काम कर लोगे, हैबिट रहेगी। अब कोई भी चीज ना खुद से करना सीखो, कभी भी कोई भी काम हो खुद सोचोगे हाँ मैं कर सकती हूँ, खुद करो, समझ गए? तो भाषण ज्यादा हो गया हम लोग का, पापा बहुत अच्छे स्पीकर है। फिर खाना स्टार्ट हो गया है, मारिया भी खा रही हूँ, मारिया ऐसे बैठी आप लोग कमेंट मत करना, ऐसा नहीं बैठना चाहिए, इसको चोट लग रही कल, इसके लिए ऐसा बैठी है, पैर जाम हो जाता है अगर मैं ऐसे करूँगी तो फिर ऐसे ही रहता है। नहीं कमेंट करोगे कैसा बैठ के खा रही है गंदी बात, इसलिए आप लोग खाने के टाइम भी आप लोग बहुत गंदा गंदा कमेंट करते हो यार, कैसा नहीं खाते वैसा नहीं खाते ऐसा नहीं बैठते। दोनों कल से आए और काफ़ी परेशान कर रहे हैं लोकैया को, पहले इतनी बिल्लियाँ परेशान नहीं करी, इतना कर रहे हैं छोटे नहीं, दोनों धारावी वाले ना, धारावी का पावर दिखा रहे अपने दोनों, धारावी वाले कब से इधर हमारी हमारी ट्यूशन से आ गई है और उनके साथ यादव और मोहम्मद भी आ गए हैं बिल्ली देखने के लिए। देखो हमारी तुम नहीं कर रहा है, कैसी लगी बिल्ली? अच्छी लगी, अच्छी है ना? ये देखो ये किधर है, बिस्किट नहीं खाती, वो कैट फूड खाती है, दूध पीती है, ये डर रहा है। अरे डर मत, काटेगी नहीं, काटती है। देखो हाँ भैया, ये देखो सोना किसी करने का ऐसा काटती नहीं, थोड़ा डर रहा है। देखो बिल्ली का खाना खा रहा है ये, अरे पापा को लाई है, ये बिल्ली का खाना है आज मालूम है, उसको एड़ा बना रहा हूँ मैं, बिल्ली खाना है। है ना मोहम्मद, मोहम्मद बिल्ली का है ना? हाँ ये देखो बिल्ली खाना खा रहा है। तो अभी इन लोग की छोटी सी पार्टी होने जा रही है पॉपकॉर्न की, ए इसको दूध दे दे एक गिलास, तो यादिन बोल रहा है कि दूध के साथ बॉर्न मीटर डाल के दो, तो हमारे घर में कोई बॉर्न मीटर पीता ही नहीं है, शक्कर डाल के इसमें क्यों दे रही है? पहले वो टेस्ट करेगा। अच्छा शक्कर डाल के, मम्मी उसकी मम्मी दूध ही नहीं देती है, पहले टेस्ट करेगा उसको अच्छा लगेगा तो और पिएगा, नहीं तो नहीं अच्छा लगा। ये देख बिल्ली पी रही है, देख बताना अच्छा नहीं अच्छा लगा, और चाहिए और नहीं अच्छा लगा, वो अच्छा बच्चा भी लेगा वो। ये देखो शक्कर वाली दूध पसंद नहीं आई, बिना शक्कर का दूध पी रही है, और हम लोग को बिना दूध बिना शक्कर का दूध तो अच्छा ही लगता ना, मैं तो बिना शक्कर का दूध पीता ही नहीं हूँ, ये तो दूध ही नहीं पीती है, ये अच्छा बच्चा दूध पीता है लेकिन बिना शक्कर का पीता है। तुमको भी चाहिए और दूध? और चाहिए नहीं? हम लोग का दूध चालू वाला है, तुम्हारा दूध स्पेशल रहता है। ये बोल रहे हैं इतना बकवास टेस्ट क्यों आ रहा है? अरे ये अमूल दूध है, ये अमूल का दूध है, तुम्हारे यहाँ तवेले वाला दूध आता होगा ना? हाँ इनको अमूल का दूध पसंद नहीं आया। तीन तरह के दूध होते हैं, बकरी का, गाय का, भैंस का, सबसे महंगा बकरी का, तीनों पिया जाता है। नहीं बकरी का दूध मिलता कहाँ, जल्दी कहाँ मिलता है? बाकी का दूध कौन पिएगा फिर? यादव की मम्मी, अभी यादव की मम्मी आएंगी वो पिएंगे बाकी का दूध, आंटी पिएंगी दूध। हमारा सालिम भी आ गया आदमी पढ़ के, अब धुल लेगा, अगले का इतना बड़ा होगा धुलेगा नहीं, वो मम्मी धुला अबे नंगा बाहर आ गया धुल लेगा, क्यों क्या हो गया? मत खाओ।
कलर वाला उड़ गया वो पाउडर, मतलब वो वाला जो पाउडर होता है ना, हम कलर मिक्स करते हैं। ये घर का बनाया हुआ है बिना कलर का, स्पेशल चटनी है वो पाउडर वाली, खा लो, वेरी गुड। तो अभी हमारी टीचर भी आ चुकी है घर पे, याजन और मोहम्मद को लेने, और यहाँ पे ये मम्मी आज बनाई थी सोयाबीन का पुलाव, तो मिस उसे टेस्ट कर रही है क्योंकि मैं काफी ज्यादा तारीफ करती हूँ पुलाव की। आप लोग इनसे रेसिपी लेना, मम्मी देख लो तुम्हारी कितनी तारीफ हो रही है। तो ये सोयाबीन का पुलाव यादव और मोहम्मद दोनों को काफी ज्यादा अच्छा लगा, के मजे लेते हुए है। हाँ। बहुत अच्छा है, पुलाव हमारी नसीब में था। अरे मिस वैसे भी अच्छा, ठीक है। तो अभी फाइनली हमारी आंटी और अंकल जा रहे हैं यादव और मोहम्मद को लेकर के, चल कितना डर रहे हो मिस, मम्मी का सबसे से मिस इतना डरते हो बच्चों की तरह, ट्यूशन में किसी दिन मैं बिल्ली लेके आऊंगी, जब भी टीचर सताए तो बिल्ली को याद किए करो और बिल्ली को घर से लेके आओ। तो सादिम ने मिस को कुछ ज्यादा ही डरा दिया, अब मिस इसे अपने घर पे लेके जा रही है, और पूरा रात नहीं इसको घर पे लेके जाओ, पूरी रात इससे पढ़ाई करवाओ, बोला ना अभी रिवीजन के लिए, तो मुझे बता, मैं बताऊंगी इसको, मैं फिर कहूंगी शूज पहने आज हैं, अरे दीदी शूज पहने आज हैं। तो दोस्तों आज की सेवा यहीं पे समाप्त होती है, आज हम लोगों ने बहुत सारी मस्ती की और साथ में शादी का स्कूल का शूज भी आ गया, तो हम लोग कल से स्कूल शूज पहन के जाएंगे। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।